नमस्कार बच्चों, हमारे टॉपिक चल रहा है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। और कल मैं ये घटना ये कहानी समझा रहा था शकुंतला की, तो कल तक हमने ये समझ लिया था, पढ़ लिया था, आपने सुन लिया था कि शकुंतला अपने दो गुरु भाइयों के साथ सारंग्रव और सारभद्र के साथ अपने पति दुष्यंत के राज्य में जा रही है। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, प्यास लगती है तो वो पानी पीती है। पानी पीने के क्रम में जब वो नदी में हाथ डालती है तो उसकी अंगूठी निकल जाती है और वो अंगूठी मछली निकल जाती है। वो पानी पीती है, वो देखती है कि अंगूठी गई तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है अंगूठी से। और वो पानी पीकर अपने दो गुरु भाइयों के साथ वहाँ से रवाना हो जाती है हस्तिनापुर के लिए। हस्तिनापुर पहुँचती है और वहाँ जाकर राजा के पास संदेश भेजती है कि भाई मैं शकुंतला स्वामी आपके पास आई हूँ। तो उस संदेश के जवाब में दुष्यंत कहता है, दुष्यंत को कोई श्राप लगा हुआ था कि जब तेरे को किसी चीज़ याद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तब तू सब कुछ भूल जाएगा। तो दुष्यंत कहता है कि भाई कौन शकुंतला, मैं तो जानता ही नहीं कौन शकुंतला है, मैं नहीं जानता। तो शकुंतला को बड़ा क्रोध आता है। उधर वो दोनों जो उसके गुरु भाई थे सारंग्रव और सारभद्र, वो भी बड़े दुखी होते हैं कि भाई ऐसे कैसे मना कर देता है, विवाह किया है, गांधर्व विवाह किया है। राज्यसभा में वो जाते हैं तो दुष्यंत उसको पहचानने से मना कर देता है। जानबूझकर नहीं कर रहा बच्चों दुष्यंत ऐसा, श्राप के कारण कर रहा है, श्राप लगा हुआ है। लेकिन अब वो श्राप का असर तो होता ही है, उसने मना कर दिया। तब उस सभा में कड़वी बातें कठोर बातें कहती है शकुंतला। एक बात बताना बच्चों, ये संस्कृत के नाटक लिखने वालों ने तो शकुंतला को गलत बता दिया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ क्या शकुंतला ने कठोर वाक्य कहे, कड़वी बातें कही दुष्यंत को राज्यसभा में, तो क्या गलत किया? बिल्कुल नहीं किया। शकुंतला गर्भवती थी और उस स्थिति में उसको राजा पहचानने से इनकार कर रहा है तो स्वाभाविक है क्रोध तो आना ही था। शकुंतला उन दोनों गुरु भाइयों के साथ वो आ गई और एक आश्रम में रहने लगी, गुरु के पास भी नहीं गई, कर्णों के पास। और उसके बच्चा हुआ, उस बच्चे का नाम रखा सर्वदम। उस बच्चे का क्या नाम रखा? सर्वदम। सर्वदमन बड़ा होने लगा। उधर दुष्यंत प्रतापी राजा था, कोई ऐरा गहरा राजा नहीं था, वो तो भूल गया, भूलना नहीं चाहता था, कोई श्राप लगा हुआ था इसलिए भूल गया। तो वो इंद्र की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने गया था। कौन? दुष्यंत। जब वो आ रहा था आकाश मार्ग से नीचे उतरा तो देखा कि एक आश्रम है, वो उस आश्रम में गया। तो उस आश्रम में जाने से पहले उसने देखा कि यार चमत्कार, एक छोटा बच्चा है वो शेर के, आपके संस्कृत में शायद चैप्टर भी है, यहाँ से संस्कृत में आपके पाठ भी है जो मैं बता रहा हूँ, आपके चैप्टर का क्या नाम है वो मेरे को ध्यान नहीं है। तो देखा कि एक बच्चा है, वो शेर को पकड़ रखा है, शेर के बच्चे को, और उसको कह रहा है कि तेरा मुंह खोल, तेरे दांत गिनूंगा। वो बच्चा मुंह नहीं खोलता, शेर का बच्चा, और वो जबरदस्ती ताकत से उसका मुंह पकड़ कर खेंच रहा है, खोल रहा है और उसके दांत गिन रहा है। शेरनी एक तरफ खड़ी है, कुछ नहीं कह रही। वो राजा देखता है कि यार ये बालक तगड़ा है, शेरनी देख रही है खड़ी है एक तरफ और बच्चे से ये अठखेलियां कर रहा है, बच्चा लड़का शेर के बच्चे से इसका मुंह खोल रहा है और शेरनी कुछ नहीं कह रही। वो ना वो ये चमत्कारी बालक है। तो फिर वो बालक के पास आता है, बालक के पास आकर पूछता है कि भाई कौन है वो, तू क्या नाम है पिता का? लेकिन बालक उसकी बातों में ध्यान नहीं देता, बालक को क्या मतलब कौन राजा है, बालक को क्या फर्क पड़ता है राजा है या कौन है। बालक अपने खेल में लगा रहता है तो देखते हैं कि भाई उसकी एक मणि है बालक की, उस मणि के द्वारा कि भाई ये किसकी मणि है, कि भाई ये जो राजवंश का होता है उसकी है। कुल मिलाकर ये है बच्चों, उसको पहचान लेता है दुष्यंत और वो शकुंतला को अपने साथ ले जाता है और वहाँ ले जाकर पत्नी का अधिकार देता है। लेकिन कहने की बात एक है, राज्यसभा में शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वचन कहे, कड़वी बातें कही,
जो गलत थोड़े किया, बिल्कुल भी गलत नहीं किया। फिर क्यों लोग ये आलोचना करते हैं कि शकुंतला थोड़ी पढ़ी लिखी थी, कर्ण के पास पढ़ ली थी तो अपने पति को गलत बात कही। अरे उसका वो पति मान कहा रहा था उसको पत्नी जो गलत बात कही, और पति यदि गलत करे तो पत्नी उसे कुछ कहे, डांटे फटकारे, तो मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है। लोग कहते हैं कि पति पत्नी तो रथ के दो पहिए होते हैं, तो फिर तो वो पति गलत करेगा तो पत्नी को समझाना चाहिए। लेकिन वो पुरातन लोग ये मानते हैं कि पत्नी तो एक घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, उसको कुछ कहने का, सुनने का अधिकार, कहने का अधिकार नहीं है। पत्नी तो केवल वही होती है जो सुनने का काम करे। लेकिन गलत तो गलत है। समझ में आ गई होगी कहानी। स्त्रियों को पढ़ाने, दूसरा पॉइंट है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतनी कम पढ़ी लिखी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख सकी थी। इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटुवाक्य दुष्यंत को कहे थे राज्यसभा में, ये इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। लोग, पुराने लोग मानते हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, यदि शकुंतला पढ़ी लिखी नहीं होती तो ये कड़वी बातें नहीं कहती। ये अजीब बात है, स्त्री पर अत्याचार भी करो, अनाचार भी करो, और फिर भी वो नहीं बोले, मुंह नहीं खोले। तीसरा पॉइंट, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, अनपढ़ लोगों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर, अब अपढ़ गंवारों की भाषा, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। यानी संस्कृत तो स्त्रियाँ नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन थोड़ी हल्की भाषा पढ़ाना भी उनके साथ अन्याय करना है। गलत है ये बात। यार भाषा तो भाषा होती है बच्चों, कोई भी भाषा गलत नहीं हो सकती। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभाव उस पर उपेक्षा ही। इस तरह की दलील देना, बात करना, इसका मतलब उपेक्षा करना है स्त्रियों की। तथापि हम दो बात, दो चार बातें लिख देते हैं। कवि लेखक जो है द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हम भी दो चार बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके एपट होने का प्रमाण नहीं। प्राकृत संस्कृत से पहले की भाषा है, प्राकृत एक है पाली, तो संस्कृत ये प्राकृत बोल देना कोई गलत नहीं है स्त्रियों का। प्राकृत जो बोले, अभी आज अंग्रेजी का जमाना है, मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी लिखता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, इसका मतलब मैं कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ थोड़े हो गए, उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं। अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकते। जैसे आज मैं अंग्रेजी कम बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, तो मैं अनपढ़ थोड़े हो गया। भाई वो प्राकृत बोलती थी, इसका मतलब ये था थोड़े था कि वो अनपढ़ थी, वो गंवार थी। प्राकृत भी तो भाषा थी, और संस्कृत से पहले तो प्राकृत में ही लिखा जाता था। संस्कृत न बोल सकना न अनपढ़ होने का सबूत और न गंवार होने का। जो संस्कृत नहीं बोल सके ये नहीं कह सकते साहब वो अनपढ़ या गंवार है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित एक रचना है बच्चों। उत्तर रामचरित बहुभूति कवि हुए हैं, संस्कृत के कवि हुए हैं बहुभूति, उनकी एक रचना है उत्तर रामचरित। ये रामायण रामचरित माना चाहिए अलग है, और उत्तर रामचरित अलग है। तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उत्तर रामचरित में स्त्रियों की वेदांतवादी पत्नियां जो वेदों तक का बखान करती थी वो कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? वो भी संस्कृत बोलती थी। जैसे शकुंतला ने संस्कृत में श्लोक बोला था वो भी संस्कृत बोलती थी। वेदांतवादी पत्नियां ऋषियों की, तो क्या वो संस्कृत बोलती थी? वो गंवार थी, अनपढ़ थी। वो भभूति और कालिदास आ गए ना, भभूति और कालिदास, कालिदास संस्कृत के महान विद्वान हुए हैं। बहुभूति भी दिग्गज राइटर थे, संस्कृत के विद्वान। बहुभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृति ही बोलता। बहुभूति और कालिदास ने जब ये लिखे अपनी रचनाएं, नाटक वगैरह, काव्य महाकाव्य,
उस समय संस्कृत बोला जाता था, बोली जाती थी। तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो संस्कृत ही बोलते थे, लेकिन अब ये थोड़े कह सकते हैं कि साहब उस जमाने में संस्कृत बोली जाती थी तो पहले भी संस्कृत ही बोली जाती हो, या जो संस्कृत बोले वही पढ़ा लिखा माना जाए। गलत। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपाठ बताने का साहस है। इसका प्रमाण दे ले कि उससे पहले संस्कृत नहीं बोली जाती थी तब कोई स्त्रियों को अनपढ़ बताने का या शिक्षित बताने का काम करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत ने, उस जमाने में प्राकृत थी बोलचाल की भाषा, तो जो भाषा बोलचाल की होगी उसी में तो लोग बोलेंगे, और जब उसी में बोलेंगे तो स्त्रियां बोले उस भाषा में तो क्या दोष है। लेकिन वो तो संस्कृत वालों को कमियां निकालनी थी, और वो कमियां निकाल कर आज संस्कृत की हालत देख लो, लोग पढ़ना नहीं चाहते, जो पढ़ते हैं वो मजबूरी के वश पढ़ते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्ध तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते। बौद्ध और जैनियों के ग्रंथ, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के ग्रंथ जो ज्यादातर लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में है? प्राकृत में। तो जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं तब तो ये भाषा शुद्ध है, लेकिन उस जमाने में स्त्रियों ने यदि कुछ बोल दिया लिख दिया तो फिर वो अनपढ़ हो गई, अशिक्षित हो गई, गंवार हो गई। गलत है। फिर तो ये जैन और बौद्ध भी गंवार, प्राचीन धर्म है जैन और बौद्ध विश्व का। और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों उपदेश देते? भगवान शाक्य मुनि और उनके चेले शिष्य प्राकृत भाषा में क्यों उपदेश देते? फिर तो संस्कृत में ही देते, लेकिन प्राकृत अच्छी भाषा थी, सर्व लोग द्वारा बोली जाती थी, सभी लोगों द्वारा। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है। बच्चों क्वेश्चन निकल रहा है बौद्धों के ग्रंथ का क्या नाम है? त्रिपिटक, जिसकी भाषा कौन सी है? प्राकृत। उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी, अतएव इसलिए ही प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है, लक्षण नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्त सती संस्कृत की रचनाएं सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए, ये तीनों ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए हैं। गाथा सप्त सती, सेतु महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में लिखे हैं। ये यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस मामले में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। आज हिंदी में अखबार आते हैं तो अंग्रेजी वाले तो आज के 500 साल बाद ये कह सकते हैं कि साहब हिंदुस्तान में तो लोग गंवार थे, हिंदी के अखबार पढ़ते थे। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत स्थानीय है। सोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्र और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य शिक्षित और पंडित हो सकते थे। जरूरी नहीं आज अंग्रेजी पढ़ने वाला ही विद्वान माना जाए, हिंदी वाला भी विद्वान माना जाता है, तो उस समय जरूरी नहीं है संस्कृत वाला ही विद्वान माना जाए जिसने अपने समय में प्राकृत पढ़ी है। वो भी विद्वान और पंडित हो सकता है, शिक्षित कहा जाएगा, जिस तरह हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। बंगला पढ़ लें, मराठी पढ़ लें, राजस्थानी पढ़ लें, मलयालम पढ़ लें, गुजराती पढ़ लें, तेलुगू पढ़ लें, कन्नड़ पढ़ लें, फिर भी हम विद्वान माने जाएंगे। कोई ये कहे कि साहब हिंदी या संस्कृत पढ़ा हुआ है ये तो, या इंग्लिश पढ़ा हुआ है, भाई पढ़ाई तो पढ़ाई है, फिर प्राकृत अपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसे नहीं मानी जा सकती? फिर ये बात नहीं मानी जा सकती कि प्राकृत अनपढ़ लोगों की भाषा थी। जिस समय बड़े बड़े आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, नाट्य शास्त्र के नियम बनाए थे भरत मुनि मुनि नहीं थे वो, तुम सोच लो कोई ऋषि मुनि थे, संस्कृत के विद्वान थे भरत मुनि। जब आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी, उस समय भी संस्कृत नहीं बोली जाती थी ज्यादा, चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे, इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत
और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। तो भाई जिसको जो सुविधा हो वो भाषा बोल लो, स्त्रियाँ प्राकृत बोल लेंगी और जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो संस्कृत बोल लेंगे। लेकिन ये नहीं था कि कोई प्राकृत बोले तो वो अनपढ़ है, शिक्षित गंवार हो गए। ठीक है बच्चों, आगे जो चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।